मध्य प्रदेश में आयोजित की गई पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद विवादों में है। ग्वालियर के बाद सागर की बाबूलाल ताराबाई कॉलेज निशाने पर आ गई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे पोस्टर वायरल हो रहे हैं, जिसमें लिखा जा रहा है कि पीटीआई आरटी में परीक्षा में लगभग एक जैसे नंबर लिए कई परीक्षार्थी सिलेक्ट हुए। खास बात यह है कि सभी के सरनेम पटेल हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं, किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा है। एक और व्यापम और इसके साथ करीब अलग अलग लोगों की 15 फोटो भी है। वही एक और वायरल पोस्ट में लिखा है, अगले जन्म मोहे पटेल ही की जो, पटेल बनाकर मोहे सेंटर बाबूलाल ताराबाई कॉलेज में ही दीजो। वही जब एक वायरल पोस्ट को लेकर जब बाबूलाल ताराबाई इंस्टीट्यूट के प्रमुख सतेंद्र जैन से बात की तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इस समय एडमिशन का समय चल रहा है, इसलिए कॉलेज को बदनाम करने के लिए इस तरह की पोस्ट वायरल की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये परीक्षा प्रशासन के द्वारा आयोजित करवाई गई थी, हमने केवल सेंटर दिया था, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, बाकी सब कुछ प्रशासन ने किया था। यहाँ से 14,000 अभ्यर्थियों ने पटवारी का पेपर दिया था। हम लोगों को यह भी जानकारी नहीं है कि यहाँ से कितने लोग पास हुए हैं, ना हमारे पास रिजल्ट की कॉपी है। यह सब कॉलेज को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, इस संदर्भ में यह कहूँगा कि मेरे पास कुछ पोस्ट मैंने देखे थे, लेकिन ये सारे गलत हैं। हमारे पास किसी भी प्रकार के रिजल्ट की कॉपी नहीं है। हमने नहीं कह सकते कि कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, कितने नहीं हुए। यह सिर्फ एक नेगेटिव इवेंट है सोशल मीडिया पर, जो संस्था को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। एडमिशन का समय चल रहा है, तो इस प्रकार की नेगेटिव इवेंट लोग अपने मन से कर देते हैं। मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, कौन सिलेक्ट हुआ। और मैंने ये भी देखा है, पोस्ट में एक देखा कि कमेंट किया हुआ विद्यार्थी ने कि वह इस संस्था का सेंटर भी नहीं, लेकिन उसका नाम भी उसी लिस्ट में लोगों ने डाल रखा है। इससे क्लियर होता है कि ये एक सिर्फ फेक न्यूज़ बना के लोग उसमें डालने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इस तरह का जो रिजल्ट आया है और जो इस तरह की बातें चल रही हैं, तो आप लोग कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये प्रशासनिक कार्य है, परीक्षा प्रशासन ने कराई है। हमारा सिर्फ सेंटर देने का कार्य था। कंपनी बाहर की आती है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, हम लोग सिर्फ कंप्यूटर मुआयना कराते हैं। और इसमें जो भी निर्णय प्रशासन लेगा, शासन लेगा, वह सामने रहेगा। हमारे लिए इसमें कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। सिर्फ हम लोग एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जगह और सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।